हे गाइस, तुमको यकीन नहीं होगा आने वाले समय में एपिसोड 118 में एस के बहुत सारे पुराने फ्रेंड, पुराने राइवल एंड पुराने पोकेमोन वापस आने वाले हैं केमियो रोल में एस को सपोर्ट करने के लिए। जिस तरीके से एलान को सपोर्ट करने के लिए प्रोफेसर सिकामोर एंड छोटी बच्ची माराइन एंड गार्चुम्प आए थे, उसी तरीके से एस को सपोर्ट करने के लिए भी बहुत सारे ओल्ड फ्रेंड लाइक मिस्टी, ब्रोक, मैं, बहुत सारे बंदे आने वाले हैं और पोकेमोन भी आने वाले हैं। तो बताएगा मैं कौन कौन आएगा, बस कुछ नहीं करना है, सब्सक्राइब कर दो। शुरू करते हैं एक्साइटमेंट आउट ऑफ कंट्रोल सेना के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कैरेक्टर्स जो कि 100% कंफर्म है। तो पहला बंदा आता है प्रोफेसर ओक। यस, ये चच्चा, ये बाइक क्यों आ रहा है? तो जा बंदों को पोकेमोन दे, तेरी जगह सेना को भेज। बट ये बंदा कंफर्म है, इसकी मॉम भी कंफर्म है, मतलब यार माँ है, माँ अपने बेटे को सपोर्ट करेगी। ट्रेसी भी आने वाला है, मतलब कितना समय हो गया है बे, ट्रेसी क्यों नहीं आ रहा है? तो ट्रेसी भी आने वाला है और साथ में चाइजार्ड, इन्फोनेप, क्रोकोडाइल, ये तीन पोकेमोन कंफर्म है, प्लस पिकनाइट भी कंफर्म है। ये सारे के सारे एक ही फ्रेम में होने वाले हैं और इस फ्रेम को तुमने पोकेमोन के स्पेशल प्रीव्यू में भी देखा था। तो ये बंदे तो 100% कंफर्म है। अब बात करते हैं जो कि आ सकते हैं और वो है गैरी ओक। तुमको इस फ्रेम में ट्रेसी के साथ गैरी ओक भी दिख सकता है, बिकॉज गैरी जो है मेन कैरेक्टर है जर्नी सीरीज का और वो एस का पहला राइवल था, एस का बेस्ट फ्रेंड भी है। तो कहीं ना कहीं यार ये एस को सपोर्ट जरूर से करेगा और ये आ सकता है कैमियो रोल में एस को सपोर्ट करने के लिए एस वर्सेस स्टीवन के मुकाबले में। और साथ में जो हमको यहाँ पे एस के पुराने पकवान दिखाए जा रहे हैं लाइक पिकनाइट, चाइजार्ड, इनके साथ साथ हमको और भी बहुत सारे सारे के सारे पकवान भी दिखाए जा सकते हैं, बिकॉज को यार ज़्यादा मेहनत नहीं चाहिए, खाली एक फ्रेम में एस के सारे पकवान पकवान वाले दिखा सकते हैं और उन्होंने ये काम एपिसोड 114 में किया था। तो कहीं ना कहीं पुराने पकवान में भी हमको एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे पकवान देखने को मिल सकते हैं। और साथ में हमको यहाँ पे डॉन भी देखने को मिल सकती है, बट मुझसे पूछो तो ना, डॉन हमको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, बिकॉज डॉन जो है वो यार बहुत पहले आई थी, अब यार अचानक से वो एस को सपोर्ट करेगी तो अजीब लगेगा। कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि डॉन को यार एस वर्सेस सिंथिया के मुकाबले में कैमियो रोल देना चाहिए, मतलब यार डॉन जो है सिंथिया को भी जानती है, एस को भी जानती है, बट सबसे ज्यादा सिंथिया वर्सेस एस के मुकाबले में आएगी तो ज्यादा सेंस बनाएगा। अब बात करते हैं मे के बारे में। मे प्लस मैक्स यानी कि भाई बहन की जोड़ी हमको दिख सकती है, बिकॉज यार मानो ना मानो होविन रीजन जो था ना बिल्कुल अलग ही था। तो कहीं ना कहीं अगर इनको भी आना चाहिए, होविन के फ्रेंड को यार काफ़ी कम इम्पोर्टेंस दी है अगर हम कंपेयर करें दूसरे रीजन से, तो हाँ थोड़ी सी रेस्पेक्ट दे सकते हैं वो होविन रीजन को यहाँ पे मे और मैक्स का स्मॉल सा कैमियो रोल कराकर। और इसके साथ साथ हमको क्लेमेंट एंड बोनी भी देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज यार इन्होंने एस को ट्रेन किया था मास्टर 8 के लिए। तो कहीं ना कहीं ये दोनों आएंगे, सेंस बनाएगा। और अगर सर्वेस और डेकोविस इस मुकाबले में हिस्सा लेने वाले हैं तो हाँ इनका रिएक्शन देखना काफ़ी अच्छा होगा, बिकॉज उन दोनों पोकेमोन को इन्हीं ने ट्रेनिंग दी थी। और साथ में ये केलोस के बंदे हैं और पता है ना केलोस में गुरुजी की बंदी रहती है सरीना। हाँ सरीना भी इनके साथ हमको दिखाई जा सकती है, यानी क्लेमेंट, बोनी एंड सरीना तीनों एक साथ मुकाबला देख रहे होंगे एस के सिम का, लाइक प्रोफेसर सिकामोर, गार्चुम्प एंड मारीन। मजा आएगा बे। अगर सरीना इनके साथ मुकाबला नहीं देखेगी तो ऐसा भी हो सकता है सरीना वापस होविन में चली गई हो और मे के साथ मुकाबला को देख रही हो, यानी कि मे, मैक्स, सरीना भी हमको तीनों एक फ्रेम में देखने को मिल सकते हैं। पता नहीं यार, थ्योरी सुनने में वियर्ड है लेकिन मजा आ रहा है। अगर यार इस मुकाबले में एक लुकारी को यूज़ करता तो हमको कोइना एंड उसके ग्रैंडफादर भी देखने को मिल सकते थे, बिकॉज मेगा एवोल्यूशन उन्हीं ने प्रोवाइड कराया था। लेकिन ना ना ना, एस लुकारी को इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर ये दोनों बंदे बंदी जो भी है ना ये नहीं आने वाले। और प्लस यार एक और मैं करेक्शन करना चाहता हूँ, इस वाले मुकाबले में ऐसा भी हो सकता है कि एस का जाइकांट्रा में इसका यूज़ ना करे, वो यूज़ कर सकता है जीरिंग का, बिकॉज स्टीवन वर्सेस एस वाले फ्रेम के अंदर एस के हाथ में जीरिंग भी है। और यार जो भी पहला पहला मुकाबला हो रहा है उसमें जो भी बंदे हैं ना अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन का फिनोमिना को प्रदर्शन कर रहे हैं। लियोन ने प्रदर्शन किया चाइजार्ड का, उसको भले ही बोलना किया उसको जरूरत भी नहीं थी। एला ने मेगा फॉर्म का यूज़ किया मेगा चाइजार्ड का, लेंस मेगा डायनामिक्स का यूज़ करेगा, डियांथा जो है वो का यूज कर रही है, आरिस अपने ड्रैगन फोर्स पावर का इस्तेमाल करेगी और सिंथिया मेगा गार्चुम का यूज कर रही है। तो कहीं ना कहीं एस कैसम का यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन पोस्टर में बताया जा रहा है पिकाचू, तो यहाँ पे गेंगार की जगह वो पिकाचू का जीमू का इस्तेमाल कर सकता है, बिकॉज पोकेमोन वाले है
थोड़े बहुत सस्ते दर से करेंगे, मतलब बिकॉज का जीमो तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल सकता है एज कम्पेयर टू गेंगार का जीमैक्स। अगर दोनों में से कोई भी देखने को मिले आई डोंट केयर, मुझे फर्क पड़ता है मेगा लुकारियो से, क्योंकि यहाँ पे नहीं होने वाला है। तो हम टॉपिक से थोड़ा डाइवर्ट हो गए, अब बात करते हैं जो कैरेक्टर तुम्हें 99.9999% देखने को मिलेगा, और वो है एक नहीं दो नहीं बहुत सारे। मैं बात कर रहा हूँ एलोला वालों के बारे में, जो इसका मेन घर है, मतलब पहले टाउन, वहाँ के बहुत सारे बंदे तुमको देखने को मिलेंगे। लेकिन एलोला भी कुछ कम नहीं है। एलोला से ग्लेडियन हो गया, प्रोफेसर कुकुई हो गया, उनका बेटा हो गया, उनकी पत्नी हो गई, मेलो हो गई, लाना हो गई, लिली हो गई, सोफेकल हो गया, और पूरा पूरा एलोला की गैंग जो है तुमको देखने को मिलेगी इसको सपोर्ट करते हुए, बिकॉज ऐसे उनका चैंपियन। तो चैंपियन को सपोर्ट करने के लिए एलोला की टीम सबसे पीछे नहीं रहेगी, सबसे आगे रहेगी। मतलब यार अगर सरीना वरीना को नहीं दिखाएंगे जो चलेगा, स्टोरी वाइज बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं चलेगा, बस स्टोरी को जमेगा, स्टोरी के हिसाब से एस का मेन घर और यार नया घर दोनों को मिक्स करके हमको दिखाएंगे। यानी कि ऐसा हो सकता है हमको सिर्फ और सिर्फ दो ही रिटर्न देखने को मिले, एक होगा पहले टाउन से ये वाला सीन जो कि हमने स्पेशल प्रीव्यू में देखा, दूसरा एलोला के सारे लोग, कैरेक्टर्स, ट्राइवल्स, एस जितने भी कैरेक्टर्स से मिला हुआ है वो सब हमको साथ में बड़ी सी स्क्रीन पर मुकाबला देखते हुए दिख सकते हैं। बिकॉज मानो ना मानो चैंपियन है एलोला को एस का रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एलोला वाले एस की रेस्पेक्ट करेंगे, वो चाहेंगे कि यार उनकी फेवरेट प्लेयर जीते। जिस तरीके से आईपीएल में तुम अपनी फेवरेट टीम को सपोर्ट करते हो ना, उसी तरीके से यहाँ पर भी आईपीएल की तरह माहौल चल रहा है, एलोला वाले इसको सपोर्ट करेंगे। और साथ में कोई आए ना आए, एलोला से वो दो बंदे जो कि एस के सबसे बड़े वाले फैन थे उनको मैं देखना चाहता हूँ इसको सपोर्ट करते हुए। तो हाँ, ये तो बात हो गई एलोला के बारे में जो कि पक्का पक्का देखने को मिलेंगे ऐसा मुझे लग रहा है। और साथ में मैं दो ऐसे कैरेक्टर का नाम लूंगा ना, तुम लोग बोलोगे आए हाय बचपन की याद आ गई बे, इनको तू कैसे भूल सकता है, और वो है ब्रोक एंड मिस्ट्री। यानी कि जर्नी सीरीज बचपन पे काम कर रही है और बचपन के दो फ्रेंड ब्रोक एंड मिस्ट्री को वापस नहीं लेके आ रहे, कैसे? यहाँ पे छोटा सा इनको कैमियो रोल भी हो सकता है, जिस तरीके से इनको शो कर रहे हैं तो इनको भी शो कर सकते हैं इसको सपोर्ट करते हुए। और हाँ, यहाँ पे गेंगार का भी इस्तेमाल होने वाला है, तो गेंगार को जिसने ट्रेन किया जिमेस करने में हेल्प किया, यानी कि एलिस्टर भी हमको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात यार, हमको साइलेंट भी देखने को मिल सकता है, बिकॉज वो अभी तक आया नहीं है। लेकिन जिस तरीके से यार अपनी ड्रोन का जो है ना यहाँ पे सेंस नहीं बन रहा था, उसी तरीके से साइलेंट का भी यहाँ पे सेंस नहीं बन रहा है। साइलेंट जो है शायद तक यार आयरिस को सपोर्ट कर सकता है, आयरिस वाले मुकाबले में भी तो यार किसी को शो करना है कि मुकाबला देख रहे हैं ऑडियंस, तो साइलेंट बेस्ट ऑप्शन होगा आयरिस वाले मुकाबले के लिए। और इस वाले मुकाबले में शायद तक साइलेंट ना आए, लेकिन इस वाले मुकाबले में दो ऐसे कैरेक्टर नाम बताने वाला हूँ जो कि पक्का पक्का आएंगे, तुम लोग उनको कैसे भूल सकते हो बे। मैं बात कर रहा हूँ प्रोफेसर साकुरागी प्लस कोहोरू, इन दोनों को तुम लोग पक्का देखोगे, बिकॉज इन्हीं ने तो एस को सपोर्ट किया था, वर्ल्ड कोरोनेशन सीरीज में भेजा था, तो ये दोनों मेन कैरेक्टर है जर्नी सीरीज के। बाकी सब आए ना आए इनका रोल जरूर से हमको दिख सकता है। लेकिन अब यार एस की तरफ से तो लोग हो गए, स्टीवन की तरफ से भी तो कोई लोग मुकाबला देखेंगे, ऐसा थोड़ी है कि एस के फैन नहीं है अपना स्टीवन चचा किसी से कम में के, तो हमको कहीं ना कहीं स्टीवन की तरफ से सोवेयर देखने को मिल सकता है। सोवेयर स्टीवन को काफ़ी मानता है और एस का सबसे बड़ा वाला फैन है वो, तो कहीं ना कहीं सोवेयर दोनों का फैन है, तो यार सोवेयर को दिखाएंगे तो अच्छा होगा और साथ में उसका सेप्टल दिख जाएगा, कुछ सुकून मिल जाएगा बे। तो हाँ, सोवेयर देख सकता है, लेकिन मुझे चाहिए वेलेस का रिएक्शन। वेलेस नफरत करता है स्टीवन चचा से, बिकॉज स्टीवन ने उसकी जगह ले ली, दैट्स व्हाई मुझे वेलेस का रिएक्शन देखना है। और जितने भी मैंने तुम्हें बंदे बताए हैं ना, वो सब की सब थ्योरी है, लेकिन प्रोफेसर ओक वाली जो है ना वो रियल न्यूज है, ये जो बंदे हैं इसका मुकाबले देख रहे हैं। और हाँ, कहीं ना कहीं यार सब आए ना आए, लेकिन प्रोफेसर ओक और प्रोफेसर कुकुई की टीम जो है पक्का पक्का आएगी ऐसा मुझे लग रहा है। तुम बताओ तुम्हें क्या लग रहा है, पॉकेट क्विज का आंसर दो एंड बाय।